वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो आज 70.55 पे ट्रेडिंग करा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक, यानी कि 45 पैसे की गिरावट देखने को मिले। आज फिर से गिरावट यहाँ पे देखने को मिले IOC स्टॉक के अंदर, यानी कि 0.63% की गिरावट देखने को मिले। ओपन तो फ्लैट हुआ था, प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर ओपन हुआ था। ओपन होते ही यहाँ पे आप देख सकते कि सुबह में ही प्रीवियस क्लोजिंग के ब्रेकआउट दिया, उसी के साथ से देख सकते कि 71 लेवल को भी ब्रेकआउट दिया। तो 71 को ब्रेकआउट देखिए गिरावट देखने को मिले रिसेंटली स्टॉक के अंदर। तो देख सकते कि मार्केट कैप जो है 99.70,000 करोड़ का मार्केट कैप है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक का। और यहाँ पे पी रेशो देखोगे तो पी रेशो भी अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, 5.24 का पी रेशो है। डिविडेंड देखा जाए तो 11.90% का डिविडेंड यील्ड भी है, जो कि बढ़िया दिखाई दे रहा है। पिछले 5 दिनों में तो देख सकते स्टॉक के अंदर 3% से ज्यादा गिरावट देखने को मिले है, मीन्स यहाँ पे बेरिश स्टॉक होता जा रहा है। वॉल्यूम के ऊपर नजर डाली जाए तो 1 करोड़ 14 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है आज के दिन में यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक के अंदर। ट्रेडेड वैल्यू जो है 8,144 लाख की है टोटली। बैंक के लिए देख सकते हो कि 45 लाख से ज्यादा क्वांटिटी पेंडिंग है और सेलिंग के लिए 43 लाख, मीन्स देख सकते कि तकरीबन बाइंग और सेलिंग के लिए तकरीबन सेम क्वांटिटी पेंडिंग है। सिक्योरिटी वाली डिलीवरी पोजीशन भी देखी जाए तो देख सकते कि 1 करोड़ 9 लाख में से 81 लाख क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जा चुके हैं। टोटल 74% जो क्वांटिटी ट्रेडेड है उसमें से 74% क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जा चुके हैं। तो चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो आज फिर से बेरिश मूवमेंट देखने को मिले, पर मंथली जो प्यूट है 70 लेवल पे जिसको यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो और गिरावट हो सकती है, नहीं हो तो यहाँ पे सपोर्ट लेके स्टेबल हो जाएगा यहाँ पे IOC स्टॉक। क्यों लेटेस्ट अपडेट IOC स्टॉक के लिए।